हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि टाटा स्टील JIT की रिगार्डिंग है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ताकि जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को मैनी कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, ठीक है। वो चाहे किसी भी ब्रांच से हो, चाहे सिविल से हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से, डजंट मैटर, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और बहुत सारे एस्पिरेंट का मैसेज आ रहा था कि सर रिजल्ट को किस तरह चेक करें, रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, मैंने रिजल्ट नहीं चेक करा, रिजल्ट नहीं आया। तो ये नो एक्सक्यूज आपको नहीं चल रहा है, आपको रिजल्ट आपका आ चुका है, आपको पता है, ठीक है। तो सिंपल से मैंने बताया भी है कि इस तरह से रिजल्ट को अपना चेक करना है, तो मैंने इसके लिए सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाई हुई है JIT 2024 के नाम से। आपको जाइए, उसको देखिए पूरा, उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया कि इस तरह से आपको चेक करना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको जो बता रहे हैं, बट वो सही है, आपको न्यूज़ नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो इस तरह से आपको पता नहीं चल पाएगा किस तरह से रिजल्ट को चेक करना है, ठीक है। पूरा प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं आपको सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया हुआ है और कंप्लीट उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसको जाके चेक करोगे आपको जाके देखने को मिल जाएगा। और जो भी एस्पिरेंट है, कुछ आप लोग, आपका इंटरव्यू जो है 10 अप्रैल को है, 10 अप्रैल 2024, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। जो भी जितने भी एस्पिरेंट सेलेक्टेड हुए हैं उनको जाके ये वीडियो शेयर करो। इसके लास्ट ईयर मैंने टाटा स्टील JIT का दिया हुआ था, तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, इस बार भी सिलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। बट मैंने अपने रिजल्ट को किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्यों भाई, मुझे जाना नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि सबसे पहली बात तो मेरा रमज़ान चल रहा है, एंड ऑफ द रमज़ान है, और जिस डेट को मतलब कि आपका जो है इंटरव्यू है उस डेट को मैं पहुँचूँगा तो मैं अपनी ईद नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं इसको जो है नहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात वहाँ रीज़न, वहाँ मोस्ट ऑफ द केस वहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है, कि जितने भी लोग हैं उनमें से क्या सबका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बेसिकली केस आपको ये पता नहीं कि नंबर कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, वहाँ पर सीट कितनी है, ये सब चीज़ आपको पता नहीं है आप। बट आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको रहने का एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, मेडिकल होगा, आपका फिटनेस होगा, कम से कम आपको 1 वीक का समय लगेगा, जाने आने का आपका कॉस्ट लगेगा, उसके साथ में ट्रैवलिंग कॉस्ट है, फिर आप रहेंगे वहाँ, खाने का सब चीज़ का रहेगा, और सबसे बड़ी बात आपको जाने में टाइम भी लगेगा। तो कम से कम आपको पहले से ही रिजर्वेशन वगैरह कराएंगे तो काफ़ी हैवी टिकट्स वगैरह रहेंगी, ठीक है। और वहाँ पे एक बहुत ही आउटसाइड रिमोट एरिया है, तो जिससे मुझे करना वहाँ पर ठीक नहीं लगा, और वैसे मैंने बहुत सारी कंपनीज में मैंने क्रैक भी किया हुआ एग्जामिनेशन, तो अभी मेरा पूरा फोकस जो है इसी पे है, और इसके रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, आप लोग काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आप लोग भी उस पर अपना जो है दिखाते हैं, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन दिखाते हैं कि कितना आप लोग डेडिकेशन आप लोग का है, ठीक है। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल को इतना जल्दी ग्रो भी हुआ, तो मैं कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट किया था, मतलब इतनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स हो गए कम्प्लीट, जो कि आप लोग की वजह से कम्प्लीट हो चुका है, और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है मैंने, ठीक है। जो भी चीज़ आप जिस चीज़ की आप रिक्वेस्ट करते हैं उसको मैं सपोर्ट बनाता रहता हूँ वीडियो, ठीक है। और आप लोग लगातार मेरे वीडियो पे बने रहते हैं, आप सपोर्ट दिखाते हैं, ठीक है, तो ये मुझे बहुत देखकर अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मतलब कुछ कर रहे हैं तो भाई सपोर्ट मिल रहा है, अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो भाई वीडियो बनाने का क्या मतलब है। जब अंदर सपोर्ट मिलता तभी वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है। और आप लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटरव्यू की टिप्स की बात करें, तो इंटरव्यू कैसे टिप्स होगा, इंटरव्यू बेसिकली बिल्कुल बेसिक होता है, बस ओवरऑल वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रिटर्न टेस्ट एक तरह समझ लीजिए, बस क्वालिफाई नहीं चेक होता है, बाकी चीज़ें आपको जब वहाँ जाने के बाद पता चलती है कि असली मतलब कि मैं क्या हूँ, मतलब वहाँ पे आपको बिल्कुल नेगलेक्ट किया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने रिजल्ट, आपको लगेगा ना कि मैं रिटर्न क्वालिफाई करके आया हूँ, तो मैं आपकी ऐसे ही मतलब कि नॉर्मल बंदा उठ के चला जाऊँगा, आपको एहसास तक नहीं होगा कि मतलब मैंने कोई एग्ज़ाम क्लियर भी किया है। ये होता है नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि वहाँ पर आपको बिल्कुल रिजल्ट आप समझ लीजिए ज़ीरो, एकदम बिल्कुल आप फ्रेशर की तरह हो जाते हैं। जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन का इंटरव्यू देने जाते हैं, आप खास करके किसी भी ऐसे जगह का इंटरव्यू देने जाते हैं जहाँ पे मतलब रिटर्न और प्रेस इंटरव्यू दोनों का मतलब वैल्यू मैटर करती है, तो वहाँ पे आपका रिटर्न अगर क्वालिफाई आपने एक बार कर दिया, आपका रिटर्न की फिर वहाँ पे वैल्यू जो है 0% हो जाती है, और आपका पूरा का पूरा फोकस जो है, पूरा का पूरा मैटर जो आपका इंटरव्यू की तरफ चला जाता है, और एग्जामिनर हो या कंपनी का ओनर हो या जो भी आपको HR हो, उसका पूरा फोकस आपको इंटरव्यूअर पे रहता है, कि जिसका इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस रहता है कि मैं किस एस्पिरेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, बस वहाँ पे मुझे उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी से मुझे मतलब है, वो रिटर्न में क्या क्वालिफाई करके आया, क्या करके आया, उससे कोई मतलब नहीं, बस वो सेलेक्ट होकर यहाँ पर आया तो उसका मैटर करेगा इंटरव्यू पर, कि
इंटरव्यू में उसने क्या किया, इंटरव्यू में कितना बेहतर परफॉर्मेंस दिया, उसके ऊपर उसकी जो पूरा एनालिसिस होगी उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस्ड होगा। जिस तरह तुमने बार्क में देखा, बार्क में सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बेस्ड में बेसिकली इंटरव्यू बेस्ड ही आपका सिलेक्शन होता है। उसी तरह से टाटा स्टील JET में भी होता है, आपका रिटर्न क्वालिफाई सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, बाकी आपका जो है इंटरव्यू ही मैटर करता है। और इंटरव्यू में बेसिकली आप लोगों को बेसिक 10th तक की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि मान लीजिए कोई साइंस वगैरह का कोई भी क्वेश्चन पूछें वगैरह या कुछ ऐसा चीज़ है, तो आप पूरा एक स्केच दे देंगे, आपको व्हाइट शीट और पेन दे देंगे, आपको पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होती है, या कोई भी चीज़ आपको फॉर एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स से हो गया पूछेंगे क्या किस स्ट्रीम से आपको पसंद है, या बेसिक 10th लेवल तक पूछते हैं, या फिर अगर डिप्लोमा है तो आपसे ये सब पूछेंगे, ठीक है, कि आपको इस फेवरेट सब्जेक्ट बता दिए अपने साइंस में, कोई भी सब्जेक्ट आपको जिसमें आपकी अच्छी कमांड हो उस सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछेंगे, बहुत बेसिक पूछते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा तब तक फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लिख दीजिए, बता दीजिए, ठीक है, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हों, तो आपको ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। साइंस में बेसिकली बेसिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला हो गया, और पीरियडिक टेबल के बारे में कुछ, जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे जैसे कि किसी सिंबल का नेम पूछ लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। और थोड़ा बहुत प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे कि टाटा स्टील JET के बारे में कितने प्लांट हैं, ठीक है, राउरकेला प्लांट है, रावणबिंडी है, ठीक है, और भिलाई स्टील है, और कहाँ कहाँ पे है, उड़ीसा, भुवनेश्वर, झारखंड, जमशेदपुर, कहाँ कहाँ पे इसका प्लांट है, तो ये सब इसके बारे में आपको ओवरव्यू पढ़ लेना, कितने टर्नओवर, कितने साल में कितने का टर्नओवर है, कितना प्रोडक्शन होता है, कितने रॉ मटेरियल से आप एक्सप्लॉयट किया था, कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितने का है, कितना टर्नओवर होता है, ये सब चीज़ें आपको ओवरऑल पता होनी चाहिए एक तरह से। जब भी जा रहे हैं किसी फील्ड में तो आपको पूरा कंपनी के कौन CEO हैं, ठीक है, कंपनी के ओनर कौन थे, इनके बारे में पूरा थोड़ा पता होना चाहिए आपको, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इंटरव्यू इजली क्रैक कर जाएंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ 7 days आपको रुकना ही पड़ेगा, जाने के बाद आपको वहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद से आपको फिर रुकना पड़ेगा, आपको रूम लेके मेडिकल आपका होगा, ठीक है, फिर आपका मेडिकल होने के बाद पूरा फुली चेकअप होगा, मेडिकल रिपोर्ट आपकी जाएगी, वहाँ पे मेडिकली फिट अगर हो जाएंगे तब आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ क्लियर हो गया तभी आपको वहाँ से आना है। आने के बाद कुछ दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग चाहिएगी, किस डेट को आपको ज्वाइन करना है, तब आपको फिर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको मेडिकली अगर अनफिट होगा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जान लीजिए। इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेडिकली अनफिट है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मेडिकली में बहुत सारी चीज़ें जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह हो गई, आपकी फिंगर वगैरह में कोई अगर कहीं कट वगैरह है, ठीक है, जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आते प्रॉपर, आई में आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, या हाइट वगैरह आपकी कम है, या वेट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ओवर पर्सनालिटी में कोई ना कोई आपको कोई बीमारी है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन रुक जाएगा वहाँ पे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि DV से पहले ही आप रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी उसके बिहाफ पे वो लोग सिलेक्शन को जो आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरी उसमें जो है इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए।